गांव के और भी प्रत्याशी आप लोगों को अद्दी पौआ क्वार्टर का लालच देकर वोट मांगने की कोशिश करेंगे। ये तो आजकल का ट्रेंड बन गया है, सभी नेता वैसे यूज करते हैं इसे। और हमारे जैसे ईमानदार और भले आदमी को वोट देना है। ईमानदार और भले आदमी, वो भी एक प्रधान, ये तो हो ही नहीं सकता। और मैं इस चुनाव को जीतने के लिए लंबी लंबी बिल्कुल नहीं फेंकूंगा। ये डिसीजन तो सर जी बहुत सही लिया है आपने। चाचू लंबी लंबी ना फेंके तो चाचू जी जीतेगा कैसे? मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। हम जा गांव में फिलहाल ओवर बनवा दिए। देखो नहीं कुछ देर बाद कहते बुर्ज खलीफा, हम ही नहीं इस गांव में बनवाया है। और सबका एक एक कॉलोनी संग लैट्रिन बांटी जाए। तो हम जा गांव बच्चन के लिए पढ़ाई के लिए एक स्कूल बनवा दिए। सर स्कूल का नाम मिला दियो, स्कूल के नाम में बाल बच्चन की जिंदगी खराब करी हो चाहो तो का भैया ठीक की। अगर तुम्हें वोट देनो ही है तो कतई हमारे जैसे सिर रिख दे, हम तो कब हूँ ऐसा ना। इसके पास प्रधान बनने की सारी खूबियां है, मैं तो कहता हूँ इसी को बनाओ प्रधान। माए गांव को ऐसो प्रधान चाहिए जो पूरे गांव कॉलोनी अकेले खाई आए, पूरी प्रधानी को पैसा अकेले खाई आए, पूरे गांव की लेटरिंग अकेले खाई आए। और कुछ ज्यादा नहीं हो गया? फोन वालों प्रधान, गांव में सबके द्वारे एक सरापई टंकी धरवा है, जहाँ मैं सवेरे सवेरे कच्ची यानी खबड़ा उतर है और 12 बजे के बाद देसी ठर्रा उतर है और संजा के 7 बजे के बाद अंग्रेजी उतर है। अरे भैया जा लड़का, बहुत अच्छे विचार है, जय जीते बोला।